झारखंड में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण रूप से बीते, इसको लेकर झारखंड पुलिस ने कमर कस ली है। झारखंड के हर जिलों की पुलिस पूजा को लेकर मुस्तैद हो गई है, ताकि आम नागरिकों को पूजा पंडाल घूमने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही राज्य के हर जिले में शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा मनाने के लिए जिले के उपायुक्त और एसएसपी बैठक कर रहे हैं। उसके बाद कई जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च तक निकाल रही है, जिसमें जिला पुलिस एवं रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ एसडीओ थाना प्रभारी के साथ ट्रैफिक प्रभारी भी मौजूद रहते हैं। इस दौरान सभी पदाधिकारियों द्वारा इलाके के पूजा पंडालों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और लोगों से शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने की अपील भी की जा रही है। पूजा के दौरान पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता श्रद्धालुओं एवं पूजा घूमने आने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। झारखंड के वरिष्ठ अधिकारियों का सख्त आदेश है कि विधि व्यवस्था में यदि कोई खलल डालने का प्रयास करे तो उन्हें बख्शा नहीं जाए। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मुश्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश भी है। दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी जिले के सभी पुलिस अधिकारी के साथ एसएसपी खुद बैठक कर रहे हैं। बैठक में एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान पुलिसकर्मियों को जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन किया जाए। इस दौरान पुलिस जवानों के लिए निर्देश जारी किया गया कि जब तक उन्हें आदेश नहीं मिलता तब तक वे ड्यूटी पर तैनात रहे। हजारीबाग के एसएसपी कौशल किशोर ने बैठक के दौरान कहा कि पूजा के दौरान किसी भी तरह की कोई गलती न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त के साथ संयुक्त आदेश जारी किया गया है, इसका ठीक से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान अंतिम क्षण तक जब तक भीड़ रहेगी पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही झारखंड पुलिस का जनता के कुछ अपील भी की है, जिसमें जनता को कहा गया है कि पब्लिक शांतिपूर्ण पूजा आयोजन में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, वाहनों को उचित व निर्धारित जगहों पर पार्क करें, सुगम यातायात के लिए कम से कम वाहनों का प्रयोग करें, भ्रमण के दौरान छोटे बच्चों के पॉकेट में अभिभावकों का नाम पता एवं मोबाइल नंबर लिखित पुर्जा जरूर डाल दें, संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के संबंध में स्थानीय पुलिस को 100 नंबर टोल फ्री पर संपर्क करें, साथ ही प्रशासन जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करें, सभी लोगों की सांप्रदायिक भावना का ख्याल रखें, प्रेम व सद्भावना के साथ त्यौहार मनाएं, डीजे का प्रयोग न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया की खबरों का एक बार अवश्य सत्यापन कर ले, कीमती जेवरात गहनों सामानों आदि के प्रयोग से परहेज करें, संदिग्ध वस्तुओं को न छुए, तत्काल इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस पदाधिकारी को दें, किसी भी समुदाय व्यक्ति विशेष धर्म समाज को ठेस पहुंचाने वाले गाने का प्रयोग न करें जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े, किसी भी प्रकार के भ्रामक सूचना फोटो वीडियो एवं धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया में शेयर ना करें। पुलिस लाइन में आयोजित इस ब्रीफिंग में उपस्थित उपायुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, सिटी एसपी साहब, ग्रामीण एसपी साहब, एसडीओ साहब, एएसपी साहब, तमाम डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर्स, थाना प्रभारी एवं समस्त पुलिसकर्मी, लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं दुर्गा पूजा की। जैसा आप सब देख रहे हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं और जिले के जो पुलिसकर्मी हैं, वो सब कंटिन्यूअस इस अभियान में लगे हुए हैं, कई सप्ताह से लगे हुए हैं। जैसा आप सबको विदित है कि बहुत बड़ी संख्या में पूजा पंडाल पूर्वी सिंहभूम जिले में विभिन्न जगहों पर बनाए जाते हैं और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलते हैं। मुख्य तौर पर कहें तो आज से ही पट खुलने शुरू हो गए हैं। नॉर्मली षष्ठी से खुलना शुरू होता है, लेकिन पंचमी से ही कई जगहों पर पंडाल के पट जो है, मूर्ति का पट जो है, इस बार खोल दिया जा रहा है। कल से ही थोड़ी भीड़ होनी शुरू हो गई है, आज से और ज्यादा भीड़ भाड़ पंडालों में और पंडालों के आसपास और सड़कों पर होनी शुरू हो जाएगी और कल से फिर दसवीं तक जो ये 5-6 दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत क्रिटिकल है क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से, भीड़ के प्रबंधन की दृष्टि से।
तो आप सब से उम्मीद है, खासतौर पर जो बल बाहर से आया है, बहुत सारी फोर्सेस बाहर से आई है, सीटीसी मुसाबनी से और जैप से और आईआरबी से भी फोर्सेस हैं, तो आप सब से अपेक्षा है और उम्मीद है कि जो आशा आपसे की जाती है, जो अपेक्षा आपसे की जाती है, आप सब उस पर खड़े उतरेंगे। ज्यादातर आप में से लोग पुराने लोग हैं, इस प्रकार की कई ड्यूटीज आपने अपने करियर के दौरान की होगी, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। और ब्रीफिंग में जो बातें आपको बताई जाती है वो भी कोई अनोखा और बिल्कुल नई बात आपको नहीं बताई जा सकती है। अगर हम कैजुअली किसी भी ड्यूटी को करेंगे, छोटा से छोटा काम भी करेंगे, तो कभी भी उसका जो परिणाम निकलना चाहिए, जो रिजल्ट निकलना चाहिए, वो सामने नहीं आ पाता है। तो वैसे में आप सभी से अपेक्षा है कि जो बातें आपको समझाई जा रही हैं, उन पॉइंट्स का आप विशेष तौर पर ख्याल रखेंगे। सबसे पहला विशेष तौर पर पुलिस कर्मियों के लिए कहना चाहूंगा, मजिस्ट्रेट्स भी यहां पर उपस्थित है, तो सबसे पहली चीज है आपका टर्नअप। आप जिस तरीके से ड्यूटी में लगते हैं, हम सब की पहचान यूनिफॉर्म से है, तो आप सबसे ये अपेक्षा है कि यूनिफॉर्म जो आप धारण कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से धारण करें, कोई भी आधा अधूरा अजीबोगरीब स्थिति में ना रहे। दूसरी नंबर बात, जो भी जोनल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं या उस पॉइंट के जो ज्वाइंट ऑर्डर में पदाधिकारियों का नाम निकला हुआ है, उन सब की ये जिम्मेवारी है यह देखना कि जो भी व्यक्ति हमारा प्रतिनियुक्त है वो सब मुस्तैद होकर के अपनी ड्यूटी करें। और अगर कोई भी व्यक्ति, कई बार हम लोग देखते हैं इस प्रकार की विधि व्यवस्था ड्यूटी में कि लोग नशे की स्थिति में भी कुछ एक मामले इस प्रकार के आते हैं, तो आप सबको हमारी हिदायत भी है और एक सख्त चेतावनी भी है, इस प्रकार का एक भी वाक्य अगर हमारे सामने आया तो आप मान के चलेंगे कि पूजा अर्चना जैसे पवित्र काम में अगर इस प्रकार का कोई भी एक मामला आया तो निश्चित तौर पर उसको सस्पेंड करते हुए हम लोग बर्खास्तगी तक लेकर के जाएंगे। दूसरी नंबर चीज है टाइमली डिप्लॉयमेंट। ससमय डिप्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रतिदिन ड्यूटी लगनी है, प्रतिदिन आप वहां से हटेंगे, तो संबंधित डीवाईएसपीज और थाना प्रभारी और जो भी पुलिस पदाधिकारी वहां प्रतिनियुक्त हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो टाइम बताया जा रहा है उस टाइम पर आप निश्चित तौर पर वहां रिपोर्ट करें, क्योंकि हम ऐसी उम्मीद करते हैं यहां से जाने के बाद जब फोर्सेस को जो हम लोगों ने